साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत को लेकर मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। संजय राउत की जेल यात्रा पर खबर है। राउत को मुंबई में कोर्ट की तरफ से महा झटका लगा और इस बार संजय राउत को 14 दिन के लिए काल कोठरी में भेज दिया गया। जी हां, मुंबई में हुई सुनवाई के बाद राउत को सलाखों के पीछे एक बार फिर भेज दिया, लेकिन इससे ठीक पहले कोर्ट में जो भी हुआ वो हैरानी भरा था, क्योंकि कोर्ट में संजय राउत की बुरी बेइज्जती हो गई। परिवार के सामने, समर्थकों के सामने राउत के हालात खराब हो गए, इंसल्ट हो गई। कोर्ट ने तीखी कड़ी फटकार लगा दी, क्योंकि कंडीशन ये थी कि राउत सयाना बनने की कोशिश कर रहे थे, मगर यही सयाना बन राउत पर ही भारी पड़ गया। तो क्या हुआ सुबह सुबह मुंबई की कोर्ट में, कैसे हुआ तमाशा, राउत को क्यों पड़ गई फटकार, कैसे हुई बेइज्जती, सब कुछ आपको दिखाते हैं बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके राउत के हालात पर अपनी राय जरूर दें। वैसे आपको याद दिला दें कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत जेल के अंदर बंद है, करीब महीना भर उन्हें हो चुका है और अब कोर्ट से फिर डंडा चला है। जी हाँ, कोर्ट ने एक बार फिर से संजय राउत को जेल भेज दिया है। अब से कुछ देर पहले 5 सितंबर सोमवार के दिन संजय राउत की कोर्ट में पेशी हुई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी हुई थी और कोर्ट में राउत को पेश किया गया और यहाँ पर फिर से कोर्ट ने एक बार फिर 14 दिन के लिए काल कोठरी में संजय राउत को डाल दिया। जी हाँ, फिर से राउत को जेल भेज दिया है और 19 सितंबर तक के लिए राउत को जेल हो गई है। अब कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश तो जारी कर दिया, जेल भेज भी दिया, लेकिन इससे ठीक पहले कोर्ट में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ तमाशा हुआ, ड्रामा हुआ, हंगामा हुआ। जी हां, मुंबई में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत को ठीक सुबह 11:30 बजे पेश किया गया। राउत को ऑर्थर रोड जेल से कोर्ट लाया गया था। करीब 10:30 बजे राउत को लेकर वैन जेल से पहुंची थी और यहां राउत को कोर्ट में ही बने बंदी रक्षक रूम में रखा गया और वहां करीब घंटा भर रखने के बाद कोर्ट में 11:30 बजे संजय राउत की पेशी हुई। अब इस दौरान कोर्ट में संजय राउत के परिवार के लोग भी पहुंचे थे, तो राउत के समर्थक भी बड़ी संख्या में कोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद थे। सुनवाई शुरू हुई और ईडी की तरफ से संजय राउत की जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल का समय 14 दिन और बढ़ाने की मांग की। कहा गया कि अभी राउत को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जांच चल रही है और जांच में कुछ और वक्त लग सकता है और इसीलिए फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, ये ईडी ने दलील दी। ईडी की वकील की तरफ से कहा गया। अब सूत्रों के मुताबिक यहीं पर संजय राउत भी बोल पड़े। जी हां, ईडी के वकील ने अपनी बात रखी थी और यहां पर संजय राउत के वकील अपनी बात रखते बोलते, लेकिन उससे पहले खुद राउत ही बोल पड़े और कोर्ट से कहा कि मैंने ऐसा क्या कर लिया है कि मुझे छोड़ा नहीं जा सकता और मैं ऐसा क्या कर लूंगा कि केस में दिक्कत हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राउत इससे भी आगे बढ़ गए। संजय राउत ने आगे कहा कि अगर मुझे छोड़ दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है, तो ये केस के लिए ही और अच्छा होगा, क्योंकि मैं ईडी की और ज्यादा मदद कर सकता हूँ। अब इस बात पर वहाँ मौजूद लोग हैरान थे, खुद कोर्ट भी हैरान थी। कोर्ट ने तुरंत ही कहा कि आपके वकील ने बताया है कि आपने जमानत की कोई अर्जी नहीं लगाई है, कोई एप्लीकेशन आपने बेल के लिए नहीं दी है, तो फिर आप किस बेस पर कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, आप खुद अपना स्टैंड साफ करिए और उसके बाद बताइए कि आपको क्या करना है। जी हाँ, ये बड़ी खबर। आपको यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले बता दें कि राउत के वकील ने कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले ही कोर्ट को बता दिया था कि उनकी यानी कि संजय राउत की तरफ से जमानत की अर्जी नहीं लगाई गई है, यानी कि जेल से रिहाई की मांग नहीं की गई है, बेल की मांग नहीं की गई है, जो कि कोर्ट को बता दिया गया था। लेकिन कोर्ट में अचानक संजय राउत ने सियानापन शुरू कर दिया था और वकील के बोलने से पहले खुद ही बोल पड़े और बिना बेल एप्लीकेशन के, बिना किसी अर्जी के खुद को छोड़ने की बात कहने लगे, जेल से बाहर निकालने की बात कहने लगे, जिस पर कोर्ट में तीखी फटकार पड़ गई। हालत ये थी कि कोर्ट में संजय राउत का परिवार, संजय राउत के समर्थक मौजूद थे, वो लोग भी मौजूद थे जो कि राउत के करीबी रहे हैं, राउत को चाणक्य या फिर सबसे समझदार भी समझते हैं, मगर यहाँ पर तो राउत की बेवकूफी साफ साफ झलक रही थी, दिख गई थी और भरे कोर्ट रूम में संजय राउत की इंसल्ट होगी, क्योंकि बिना अर्जी के, बिना एप्लीकेशन के किसी को भी बेल नहीं मिलती है, सभी जानते हैं, और यहीं पर राउत फंस गए। कोर्ट ने साफ साफ पूछा कि आपको अगर कोई जेल में दिक्कत है तो बताइए, लेकिन ऐसी बात है कहकर आप अपने वकील की बातों को ही काट रहे हैं, कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो संजय राउत ने साफ साफ जमानत की एप्लीकेशन नहीं दी थी और फिर कोर्ट से रिहा करने की मांग कर दी थी और इसीलिए तो कोर्ट में खासा हंगामा हुआ, तमाशा हुआ। हालांकि कुछ ही देर बाद राउत को चुप करा दिया गया, राउत की बोलती बंद करा दी गई, क्योंकि कोर्ट की दलीलों के आगे राउत के पास कुछ भी नहीं था और राउत चुपचाप सिर झुकाए वहां खड़े रहे।
अब वहां पर संजय राउत की बेइज्जती उन लोगों के सामने हो रही थी जो कि संजय राउत को बड़ा ज्ञानी समझते थे, मगर राउत तो बिल्कुल ही कच्चे खिलाड़ी निकले और भरे कोर्ट में अपने परिवार के सामने, समर्थकों के सामने संजय राउत की बुरी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी। तुरंत ही कोर्ट ने आदेश जारी किया कि संजय राउत को फिर से 14 दिन के लिए जेल भेजा जाता है और कोई राहत यहाँ पर संजय राउत को नहीं मिली। संजय राउत को कुछ ही देर बाद उसी वैन से फिर ऑर्थरोड जेल पहुंचाया गया और वापस से उनकी सेल में उन्हें डाल दिया गया। काल कोठरी में संजय राउत को पहुंचा दिया गया। संजय राउत जो कि सयानापन दिखा रहे थे वो बुरे फंस गए, बुरे अटक गए, भरे कोर्ट में बेइज्जती हो गई। तो आपका संजय राउत किन हालात पर और संजय राउत के सयानेपन पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। वैसे आपको याद दिला दें कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है, उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत कानून के शिकंजे में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें दूर दूर तक कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, राउत के बचने की गुंजाइश कहीं दिख नहीं रही है और कंडीशन ये है कि राउत आगे भी फंसे रहेंगे और कब तक फंसे रहेंगे ये खुद संजय राउत भी नहीं जानते। हालांकि ऐसा नहीं है कि संजय राउत ने जेल से बाहर निकलने की, कोर्ट से राहत पाने की या फिर अस्पताल के बहाने ही सही रिलीफ की कोशिश ना की हो, लेकिन हर बार राउत के हाथों नाकामयाबी ही लगी क्योंकि केस इतना बड़ा है कि राउत को हर बार चारों खाने चित होना पड़ा। अब संजय राउत की फिर से कोर्ट में पेशी की तारीख नजदीक आ गई है। 5 सितंबर को संजय राउत की 14 दिन की दूसरी वाली न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है और सुबह 11 बजे राउत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब इस सुनवाई से पहले, इस पेशी से पहले राउत का नया पैंतरा भी सामने आया है जिसने हलचल मचा दी है, बवाल बढ़ा दिया है और इसे संजय राउत का प्लान बी तक कहा जा रहा है। असल में ऑर्थरोड जेल सूत्रों के मुताबिक जेल के अंदर कैदियों ने खासा बवाल काटा हुआ है। अंदर के सूत्रों के मुताबिक जेल के अंदर जेल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले कैदियों की संख्या अचानक बढ़ गई है और लगातार जेल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। अब हालांकि ये हमेशा ही होता रहा है लेकिन ऐसे कैदियों की संख्या बेहद कम या कहें कि इक्का दुक्का ही होते रहे, लेकिन इस बार सूत्रों के मुताबिक ये इक्का दुक्का नहीं, कुछ सौ नहीं बल्कि हजारों की संख्या में कैदी ऐसे हैं जो कि जेल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जेल प्रशासन के नियमों, उनकी सुविधाओं से नाराज हैं, जेल के हालात यानी कि खराब हालात पर नाराज हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि इस बीच कैदियों का एक गुट ऐसा भी है जो कि जेल प्रशासन के समर्थन में, और इसी के बाद बवाल बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक जेल के अंदर कैदियों के दो गुट बन गए और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब खबर है कि इसके पीछे संजय राउत भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि संजय राउत का दिमाग इस पूरे मामले के पीछे हो सकता है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। अब राउत का दिमाग यहाँ पर क्यों होगा, राउत का क्या फायदा है वो भी बताएंगे, लेकिन आगे पहले पूरी कहानी समझिए। जेल सूत्रों के मुताबिक जो भी कैदी जेल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो इस मामले को न सिर्फ जेलर के पास बल्कि कोर्ट तक भी लेकर जाना चाहते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मामले को कोर्ट तक लेकर जाने की बात हो रही है और इस मामले में अंदर की खबर सूत्रों के हवाले से ये भी है कि संजय राउत ही कोर्ट की चौखट तक ये मामला पहुंचा सकते हैं और जेल प्रशासन के खिलाफ कैदियों को एकजुट करके उनकी बात कोर्ट तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।